यहाँ सड़कों पे उतरे और नेताओं को खुली चेतावनी दी है कि जाति और धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होगी 2023 में। 2023 में चुनाव नौकरी और रोजगार और पेपर लीक मुक्ति राजस्थान के चुनाव होंगे। युवाओं को आक्रोश आपने भी देखा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी भी समय है। अपराधियों को जेल में डालिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए और 2022-23 के जो अभ्यर्थी है जो सेकंड ग्रेड गए उन अभ्यर्थियों को भी न्याय चाहिए। बस पकड़ी गई पहली भर्ती परीक्षा में जो पेपर उनका क्या हुआ, उनको न्याय नहीं चाहिए। हर युवाओं को न्याय चाहिए और सड़कों पे उतर चुके हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे अन्यथा आने वाले 2023 में चुनौती के साथ सुपड़ा साफ कर दे। क्या पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा? क्या पेपर लीक मामले में होंगे बड़े खुलासे? जी हाँ, सेकेंड ग्रेड पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान एटीएस ने कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से उसे धर दबोचा, जिसके आधार पर अब पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। संभावना है कि भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के कई और पेपर लीक मामले में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूजा के घी और हवन सामग्री मंगाने के चक्कर में पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण पकड़ा गया। भूपेंद्र सेकेंड ग्रेड टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद से ही फरारी काट रहा था। इस दौरान वो अहमदाबाद चला गया। उसके 25 दिन बाद जयपुर, फागी, जालोर, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में भी रहा। फिलहाल वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पंडित के कहने पर बचने के लिए हवन कराने जा रहा था। जोधपुर पुलिस को पता चला कि ट्रेन नंबर 16507 के कोच B3 में 19 फरवरी को 11 बजे सामान बेंगलुरु पहुंचेगा। जब तक पता चलता तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी, तो जोधपुर ग्रामीण पुलिस की टीम SOG के साथ फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची। वहां पर ट्रेन में सामान लेने कोई और ही आया था, जिसका पीछा किया। आखिर में बुधवार को उसे पकड़ा तो उसने बताया कि भूपेंद्र अहमदाबाद की फ्लाइट से आ रहा है, तो पुलिस ने उसे रनवे पर जाकर धर दबोचा। 2011 के GNM और 2022 के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी SOG भूपेंद्र सारण को तलाश रही थी। इन परीक्षाओं के पेपर लीक में भी इसका नाम आया था। RPSC की सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का 24 दिसंबर को पेपर लीक हो गया था। इस मामले में भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका मुख्य मास्टरमाइंड हैं। पेपर लीक के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, लेकिन अब भूपेंद्र सारण अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कुछ दिन पहले ही राजस्थान में CHO परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था। परीक्षा के कई घंटे पहले ही परीक्षार्थियों के फोन पर व्हाट्सएप पर पेपर आ चुके थे, जिसके बाद से ही अब इस परीक्षा को भी रद्द किए जाने की मांग उठ रही है। टीचर सेकेंड ग्रेड पेपर लीक मामले में JDA ने सुरेश ढाका पर कार्रवाई के नाम पर अधिगम कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर भी चलवाया था, लेकिन इस कार्रवाई का भी विरोध हुआ था। बताया जा रहा है कि उस कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग किसी और की थी। सेकेंड ग्रेड पेपर लीक केस में पुलिस अब तक 50 से भी ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले पर राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने खुलकर सरकार का विरोध किया था। सेकेंड ग्रेड टीचर्स भर्ती परीक्षा लीक मामले में भूपेंद्र सारण को SOG ने प्लानिंग के तहत पकड़ा। SOG अधिकारी मोहन पोसवाल के नेतृत्व में भूपेंद्र को पकड़ा, जिसके तार पेपर लीक माफियाओं से जुड़े हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में उदाराम को मुजरिम बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई थी। किरोड़ीलाल मीणा पहले ही भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका और SOG के अधिकारी मोहन पोसवाल के दोस्ती के प्रमाण दे चुके हैं। मोहन पोसवाल के संबंध भूपेंद्र सारण की महिला मित्र के साथ थे। जब पेपर लीक में भूपेंद्र सारण फरारी काट रहा था, तब मोहन पोसवाल का इनके निवास पर आना जाना था। किरोड़ीलाल ने आरोप लगाया था कि इन दोनों को फरार करवाने में अधिकारी मोहन पोसवाल का बड़ा रोल था। किरोड़ी ने सुरेश ढाका की गिरफ्तारी पर भी संदेह जताया था कि अगर ढाका गिरफ्तार हुआ तो कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री और अधिकारी भी बेनकाब हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।